हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नया बैच स्टार्ट किया था। मेन प्लस रिवीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। तो मैंने क्या समझाया था, पैसों को मैनेज करना अगर सीखना है तो कुल मिला के 3 डिसीजन लेने होंगे लाइफ में। कौन कौन से? पैसा कहाँ से आएगा, जिसे इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड क्या कह देते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फिर पैसा कहाँ पे लगाएंगे, जिसे क्या कह देते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और तीसरा थोड़ा सा खतरनाक था कि डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। 3 पॉइंट, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज मेजर डिस्कशन एक ही है भैया। वो मेजर डिस्कशन कौन सा है? वो मेजर डिस्कशन है, हमने ये तो बता दिया था कि फाइनेंसिंग में दो तरीके हैं पैसे लेने के, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। बेटा अभी लॉन्ग टर्म में भी दो हैं कि कल बताए थे लास्ट लेक्चर में, कौन कौन से, शेयर या डिबेंचर। बेटा यहाँ बोलना और बड़ी बड़ी बात करना तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली आज डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी को 1.5 लाख करोड़ रुपए अरेंज करने हैं तो मैं शेयर से लूं तो क्यों लूं, डिबेंचर से लूं तो क्यों लूं। तो बेसिकली आज मुझे अलग अलग क्या करने हैं, फैक्टर्स। मीनिंग सबको पता है फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग क्या है, हम ये डिसाइड कर रहे हैं पैसा कहाँ से लिया जाएगा। बेटा खुद विजुलाइज करना, भाई शेयर लेना है तो क्यों, डिबेंचर लेना है तो क्यों। अभी मैंने ये मीनिंग लिखवा दिया था बिजनेस फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग बता दिया। 3 बातें किस चीज से रिलेटेड है, फंड को कहाँ से एक्वायर करना मतलब प्रिक्योर, फंड को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, और फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज मुझे ये भी इम्पोर्टेंस, वैसे मैं हमेशा कराता था लेकिन दो इम्पोर्टेंस छोड़ो, आज सबसे पहले ये बता रहा हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग भी सबको पता है, इन दिस डिसीजन कंपनी हैज टू डिसाइड फ्रॉम वेयर द फंड मस्ट बी एक्वायर्ड या फंड मस्ट बी प्रिक्योर्ड, आइदर फ्रॉम डिवेंचर और शेयर। बेटा अब अलग अलग पॉइंट है, ये आपको ना बस हेडिंग्स याद रखनी होंगी। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में क्या क्या बातें बताई थी वो आपसे पूछ रहा। बेटा शेयर कंपनी के कौन, मतलब जो बंदा शेयर खरीदता है कंपनी का वो कौन बनता है, बिल्कुल और शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं, मालिक। हूँ बेटा खुद प्रैक्टिकली समझो, अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लोगे ना आज ही, तो आप रिलायंस कंपनी के क्या बन जाओगे, मालिक। ठीक है, और जो डिबेंचर है, जो डिबेंचर होल्डर बनते हैं उन्हें क्या माना गया है, आउटसाइडर। आउटसाइडर को क्या मिलता है, और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। लेकिन आप खुद समझो, जो मालिक लोग हैं उन मालिक लोगों को क्या डिविडेंड देना कंपलसरी होगा, क्या लगता है आपको, क्या मालिक लोगों को डिविडेंड देना कंपलसरी होगा, मालिक लोगों को डिविडेंड देना कंपलसरी। भाई मालिक को धंधे से पैसा तभी तो मिलेगा जब कंपनी क्या कमाएगी, प्रॉफिट। और अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो उसे कुछ, लेकिन अगर आपने किसी आउटसाइडर से पैसे ले रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बेटा अब जरा इन बातों को सोच समझ के तो डिसाइड करना है हमें कि कंपनी शेयर से पैसा लेगी या डिबेंचर। तो बात को ध्यान से सुनना, जैसे एक पॉइंट आता है बेटा, अलग अलग पॉइंट है। एक पॉइंट है खतरा, रिस्क, खतरों के खिलाड़ी, रिस्क। जब आप शेयर या डिबेंचर में से पैसा अरेंज कर रहे हो तो कोई भी कंपनी रिस्क ज्यादा लेना चाहेगी या कम लेना चाहेगी, आप खुद बताओ। रिस्क क्या लेना चाहेंगे हम, कम। अब आप खुद सोचो, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी को शेयर इशू करने में कम रिस्क है या डिबेंचर इशू करने में कम रिस्क है? शेयर इशू करने में कम रिस्क है भाई, क्यों? क्योंकि उस पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट देना क्या था, कंपलसरी था। इसलिए रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बाजी मार जाएगा, शेयर। भाई अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें क्या इशू करना चाहिए, शेयर। क्या बात क्लियर है या नहीं? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ओके। अच्छा भैया दूसरा पॉइंट तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसपे सबसे ज्यादा डिस्कशन होना है। तुम अकाउंट्स के धुरंधर हो, तुमसे पूछ भी लेते हैं। शेयर पे हम डिविडेंड दे रहे थे, है ना, और डिबेंचर पे मैं क्या दे रहा हूँ। बेटा इसे समझना पड़ेगा, ध्यान ही लगाना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी इस पे। तो बेटा पीएल अकाउंट बनाना सीखा है या नहीं? ठीक है, कुछ ऐसे बनता है यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। मैंने कहा तुम ज्यादा धुरंधर बच्चों, तुमसे पूछ लो, है ना। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पे सारे क्या आते हैं, खर्चे, यहाँ पे सारे क्या आती है, इनकम, और यहाँ पे क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। क्या बात क्लियर है या नहीं?
प्रॉफिट भी, एक्स रेट पता कितने आजकल कंपनीज के ऊपर बेटा, डोमेस्टिक कंपनी पे 30 है, फॉरेन कंपनी पे कितना ही है, 40 ही है। अगर एक कंपनी 1,000 करोड़ कमा रही है फॉरेन कंपनी, तो उसे पता कितने परसेंट, फॉरेन कंपनी 1,000 करोड़ का 40% कितना आ जाएगा, आप समझ रहे हो कितनी लूट मार रखी है सरकार ने, कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हो तो इतने का टैक्स दोगे। भैया ये क्यों समझा रहे हो, इंटरेस्ट बेटा अपने घर की खेती को ही है कि जो मन करा। हाँ मैं बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। हाँ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के कंसल्टेंसी के लिए आना, बिल्कुल बताएंगे आपको, जो बेटा 1 घंटे के है ना। अब फिलहाल के लिए बात को बेटा, हाँ बेटा अभी समझ लो इसे, मुद्दे की बात यही, थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है बेटा। इस समय सारा फोकस यहाँ पे लगा दो, वरना समझ नहीं आएगा। इंटरेस्ट एक खर्चा है, पहले तो ये समझो। तो इंटरेस्ट किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में बेटा। जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितना खर्चा बढ़ेगा, क्या मेरा उतना प्रॉफिट कम होगा, मैं ये कह सकता हूँ, यस और नो? और अगर प्रॉफिट कम होगा तो मुझे क्या भी कम देना पड़ेगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इस चीज को हम थ्योरी में पता कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। इस चीज को बेटा बहुत ही रेलेवेंट लाइन है, मतलब इतनी रेलेवेंट लाइन है ना, बड़े बड़े धंधे हिल जाते हैं इस एक सिंगल लाइन से। बड़े बड़े धंधे सिंगल लाइन पे चल रहे हैं इस चीज, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। भैया इसका मीनिंग क्या हुआ, कह रहे हैं इंटरेस्ट पे करने से हमारा जो टैक्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्यों हो रहा है, मैं उसे बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट कहाँ आएगा, पीएल की डेबिट में। खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम होगा तो आपको क्या भी क्या कम देना पड़ेगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। क्या ये लाइन भैया हम डिविडेंड के लिए बोल सकते हैं क्या, डिविडेंड इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस? तो बेटा मैं आपको कहना बताना चाहूंगा, ये उसके लिए लाइन बोली नहीं जा सकती। भैया क्यों बेटा, इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, जरा सीक्वेंस समझना पड़ेगा। पैसा आपको इंटरेस्ट में भी, लेकिन हमें इंटरेस्ट को, बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट को टैक्स से कंपेयर नहीं करना है ना। मैं किस किस को कंपेयर कर रहा हूँ उस समय, डिबेंचर और शेयर को। डिबेंचर पे क्या देना था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने से तो टैक्स कम हो रहा है, लेकिन शेयर पे क्या देना है, डिविडेंड। क्या ये सोचने वाली बात है, क्या डिविडेंड देने से टैक्स कम हो रहा है क्या? तो बेटा उसका आंसर यही तो आएगा, डिविडेंड देने से टैक्स कम नहीं होता। तो आप टैक्स कम कराना चाहोगे या नहीं, खुद सोचो। हम क्या कम कराना चाहेंगे, टैक्स। वो खाली किससे हो सकता है, वो खाली इंटरेस्ट से ही हो सकता है। अब मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए और अगर बताऊं, डिविडेंड कहाँ आता है, किसी बच्चे को पता है, तुम इतने धुलंधर बच्चे हो हैं बेटा। फिर वही बात है, आप खाली सारे बच्चे में ही समझ में आ गया। आप सारे बच्चे पता है किसको लिंक करते हो, टैक्स और इंटरेस्ट को। बेटा आप लिंकेज ही सही नहीं है ना आपकी जिंदगी। मैं बेटा वही, फिर अगर करने तो मेरी बात सुन के करो ना। इंटरेस्ट को किससे कंपेयर करो, इंटरेस्ट को डिविडेंड से कंपेयर करो ना, कि भाई दोनों में पैसा देना है, या तो इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड। इंटरेस्ट दूंगा तो टैक्स कम हो जाएगा, अगर डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए। दूसरा तरीका क्या था पैसा लेने का, शेयर होल्डर्स, अगर उससे पैसा लिया और उसे क्या दिया, डिविडेंड, तो मेरा टैक्स कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा वही समझा रहा हूँ बेटा। डिविडेंड पीएल में कहाँ आता है, डिविडेंड भी एक बेटा आपको लगता होगा डिविडेंड पीएल के डेबिट में आता है। तो बेटा यही समझाने की कोशिश करूंगा, यही समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, प्लीज ध्यान से सुन लेना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पीएल के डेबिट में खर्चे आते हैं, खर्चों के बाद क्या निकल जाता है, और इंटरेस्ट इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका होगा। अब जब प्रॉफिट आ जाता है ना, तो बेटा तुम्हें, अगर तुमने अकाउंट्स में कभी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हो, कि जब हम पीएल, जो प्रॉफिट निकला, जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट, जो ये प्रॉफिट आया ये पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट में से एक एक चीजें पे करना शुरू करते हैं। प्रॉफिट में सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स। ये सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी समझो, पहले टैक्स ही जाएगा। अब जब टैक्स पे करने के बाद पैसा बचेगा, तो कंपनी पैसा किसे देगी, डिविडेंड में।
और जब पैसा और बच गया तो उसे हम क्या कह देते हैं, रिटेन अर्निंग। एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, कंपनी ने इंटरेस्ट पे करके 1,000 करोड़ की कमाई करी फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी से 1,000 करोड़ की सीक्वेंस है, ये नहीं कि 1,000 करोड़ आए और सीधा मालिक लोग आगे लाओ पैसा दे दो, हम मालिक लोगों को कहेंगे चल पीछे चल भाग, बाद में मिलेंगे पैसे। पहले किसे पैसे देने हैं, पहले सरकार को पैसे देने हैं, सरकार 400 करोड़ लेके जाएगी, फिर कंपनी के हाथ में कितना बच जाएगा, 600 करोड़, फिर कहेंगे मालिक लोग आ जा अब तू आ जा। अगर आप प्रैक्टिकली विजुलाइज करो तो एक सीक्वेंस होती है पेमेंट करने की। कंपनी ने अगर 10,000 करोड़ की कमाई करी समझो, तो कंपनी ने अगर 10,000 करोड़ की कमाई करी तो कंपनी, ये नहीं है कि कंपनी के पास जो पैसा आया सीधा ही डिविडेंड पे दे दो, सबसे पहले पैसा देना पड़ता है अपने सप्लायर्स को, जो आप परचेज के नाम से खरीद, परचेज और छोटे मोटे खर्चे, तो पहले ये खर्चे होंगे, और उसी खर्चे में सबसे पहले कौन लगे हुए, डिबेंचर होल्डर लगे हुए हैं लाइन में। जब मैं पैसे बांट रहा हूँ ना अपनी कंपनी से, तो लाइन में मेरे कौन लगा हुआ है, सबसे पहले लाइन में आगे लगा हुआ है डिबेंचर होल्डर, ले पैसे चल। जब वो पैसे लेके चला जाएगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, धंधे का प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो दूसरे ना, अगर बेटा आपको सही में समझना है, ये सीक्वेंस है पैसे बांटने का, पहले पैसे किसे दिए जाएंगे कंपनी में, आउटसाइडर को, फिर कंपनी का क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट, उस पे क्या दिया जाएगा, और अगर पैसा बच गया तो क्या दिया जाएगा, डिविडेंड। तो आप, हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, हमें कंपेयर करना है इंटरेस्ट को डिविडेंड से। भाई इंटरेस्ट पे करने से तो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा उससे पहले रिकॉर्ड होता है, डिविडेंड का खर्चा बहुत बाद में रिकॉर्ड होता है, तो वो बेनिफिट नहीं मिलता। बेटा आप ना जब प्रैक्टिकली समझोगे ना इस बात को, क्योंकि तुम्हारे ना पैसे नहीं लगे, जब कंपनी के पैसे लगते हैं ना, बड़े ध्यान से समझना, अगर कंपनी 1,000 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है ना, 1,000 करोड़ का क्या दे रही है, और 1,000 करोड़ का डिविडेंड दे रही है, तो इस डिविडेंड पे तो टैक्स का बेनिफिट कितना है, जीरो। लेकिन इस 1,000 करोड़ के इंटरेस्ट पे पता है टैक्स का बेनिफिट कितना है, 40%। 400 करोड़ की कमाई है, जो तुम्हें शायद दिख नहीं पा रही होगी अभी कि वो 400 करोड़ की कमाई कैसे हो रही है। वो 400 करोड़ की कमाई बस इसलिए हो रही है कि इंटरेस्ट देने से मेरा क्या कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट से मेरा क्या कम हो गया, टैक्स। देखो मैं इतनी डीप में नहीं लेके जाना चाहूंगा, अब शॉर्ट में बात क्या है, कंपनी को सस्ता क्या पड़ता है, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को कहाँ से पैसा लेना सस्ता पड़ता है, कंपनी को पैसा लेना पड़ता है सस्ता डिबेंचर से, और उसके पीछे क्या लाइन लिखी जाती है, इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। क्या ये लाइन याद रखी जाएगी या नहीं आपके तक, अब पूछो आपके, अगर कुछ पूछ रहे थे तो। बेटा ऑफ कोर्स मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया, कंपनी डिविडेंड दे देगी, और जो पैसा बच गया तो यहाँ पे लिखवाया था, इसके बाद बिल्कुल लास्ट में कंपनी के पास क्या बचता है, रिटेन अर्निंग, अगर बच गया। हाँ कुछ भी कह सकते हो बेटा आप उसे, जनरल रिजर्व को, कैपिटल रिजर्व को, वो पैसा है बेटा। क्या दो पॉइंट समझ में आए या नहीं, बाकी तो बहुत इजी हैं। द्वारा द्वारा पहला पॉइंट क्या बताया था, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या इशू करना चाहेगी जहां रिस्क कम हो, रिस्क कहाँ पे कम है, शेयर में। दूसरा पॉइंट जो इतना लंबा समझाया, दूसरा फैक्टर आता है खर्चा, कंपनी कहाँ से पैसा लेना चाहेगी। अब आप समझो सिंपल भाई, एक जगह 10% से पैसा मिल रहा है, एक जगह 15% से, कहाँ से लोगे पैसा, जहाँ पे 10 से मिल रहा हूँ, मतलब जहाँ पे खर्चा क्या हो, कम, और खर्चा कम कहाँ पे होता है, उसके पीछे का रीजन दे रहा हूँ ना, क्योंकि डिबेंचर पे क्या देना है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। लेकिन बेटा यही तो बड़ा खतरनाक चीज है, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुलाइज कर पा रहे हो, भाई खर्चा तो कम डिबेंचर में है, मान लिया खर्चा तो कम डिबेंचर पे, लेकिन डिबेंचर उतना ज्यादा क्या भी तो है, रिस्की है, क्योंकि डिबेंचर पे क्या देना ही देना है, इंटरेस्ट देना ही देना है। बेटा इसी कच्चे लालच के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनी डूब जाती है। विजय माल्या डूबा ही क्यों, क्योंकि वो ये चाहता था कि यार मुझे सस्ते रेट पे पैसा मिल जाए, उसने कहाँ से ज्यादा पैसा ले लिया, डिबेंचर से, सस्ते रेट पे था, लेकिन देना क्या था, इंटरेस्ट कंपलसरी, और वो कंपलसरी इंटरेस्ट दे दे के उसकी कंपनी क्या होगी, डूबगी। बेटा कंपनी बड़ी बड़ी डूब जाती है अगर ये डिसीजन सही से ना लिया जाए। बेटा क्या क्लियर है ये दो पॉइंट,
आगे तक याद रहोगे, आखिरी तक याद रहेंगी ये बातें जो मैंने आपको समझाई। मैंने एक पॉइंट कौन सा समझाया, कॉस्ट। कॉस्ट में क्या बताया, डेट चीपर है क्योंकि इस पे इंटरेस्ट क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। रिस्क किस में कम है, शेयर में। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन वर्ड सुने कहीं, तैरना। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या समझना, सिक्योरिटी को समझना। शेयर या डिबेंचर इशू करूंगा मैं, क्या इशू करूंगा, शेयर या डिबेंचर, तो मेरा कुछ खर्चा होगा। आप कुछ विजुलाइज कर सकते हो कि मैं शेयर इशू कर रहा हूँ तो मेरा क्या खर्चा होगा, या डिबेंचर इशू करूंगा तो क्या खर्चा होगा मेरा। कंपनी को शेयर या डिबेंचर इशू करने में कुछ खर्चे खर्चे करने पड़ते हैं। कौन कौन से खर्चे करने पड़ सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकता है, शेयर या डिबेंचर इशू करने में खर्चे होते हैं। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल में बिल्कुल सही आया पीछे से, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एक एग्जाम्पल आया भैया ब्रोकर, ब्रोकर कमीशन नहीं लेता क्या अपनी। एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस ने शेयर इशू करनी है तो रिलायंस पे खाली कोई है, रिलायंस की खुद इशू करेगी, रिलायंस बीच में किसे लेके आएगी, ब्रोकर को, कि भाई तू जनरल पब्लिक को क्या इशू कर दे, शेयर, तो वो ब्रोकर क्या लेगा, कमीशन। तो बेटा ऐसे अलग अलग खर्चे होते हैं। तो मैं तो आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूँ, आप कौन सी सिक्योरिटी इशू करना चाहोगे जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, कम। और ये हमें नहीं पता कहाँ कम है, हम तो क्या लिख के आ जाएंगे पेपर में, जहां फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, कम। शेयर में कम है तो क्या इशू कर दो, डिबेंचर में कम है तो क्या इशू कर दो, डिबेंचर। अभी अगले पॉइंट का आंसर जिसने दे दिया मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चा कंसेप्ट को बहुत अच्छे से लिंक कर पाए। कैश फ्लो पोजिशन, कंपनी के हालत कैसी है पैसों में, या तो कंपनी पे अंधा पैसा है, तेरे भाई पे पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, या कंपनी की हालत अंदर से बहुत पतली है, खोखली है, ऊपर से दिखावा बहुत ज्यादा है, तेरे भाई ने ये कर लिया, तेरे भाई ने वो कर लिया, और घर में 2 टाइम खाने के पैसे नहीं है। बेटा मैं हर एक बच्चे से पूछूंगा एक बात, आपको मैंने मेन पॉइंट तो कॉस्ट और रिस्क समझा दिया, मैंने कहा अगर कल को आपकी हालत बहुत अच्छी है, आपने कहा कल को तेरे भाई पे कोई पैसे की कमी नहीं होगी, अंधा पैसा छापेगा तेरा भाई, पैसे ही पैसे होंगे तेरे भाई पे, अगर ऐसी हालत में है तेरा भाई, तो आज क्या इशू करूंगा मैं, देखता हूँ कि तुम कितने अच्छे कल को फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, क्या इशू करूँ मैं आज, शेयर या डिवेंचर। सारे बच्चे शेयर कह रहे हैं, सारे के सारे डंगर, सारे के सारे डंगर, सुन लो मेरे से, फिर मेरे से सुन लो, फिर अपने रीजंस देना, फिर सबके रीजन सुनूंगा। भाई तुम डिवेंचर इशू करोगे क्यों, भाई डिवेंचर इशू करने क्या पड़ेंगे, चीपर। हम डिबेंचर क्यों नहीं इशू करते, बस वो क्या है, रिस्की। मैंने कहा रिस्क है ही नहीं कल को तेरे भाई पे, कल को तेरे भाई पे इतना पैसा आ जाएगा, अगर कोई मेरे से 10 रुपये मांगेगा इंटरेस्ट के, 100 रुपये दे के मारूंगा मुंह पे, इतना हाँ बेटा, इसीलिए तो पहले कहा, इसीलिए तो कहा कि कल को आपकी पोजीशन क्या है पहले। बेटा देखो मैं ऐसे बात नहीं करता, पक्की बात, कच्ची आधी अधूरी बात नहीं, इधर उधर। अब लेकिन आप बच्चे शेयर कह रहे थे, तो बेटा कोई मुझे रीजन देना चाहेगा, अपने मन में ऐसा विचार क्यों आया। मैंने इसलिए बताया ना आपको रीजन, कि स्ट्रोंग में अगर, और ये कैश फ्लो पोजीशन आज की नहीं है बेटा, ये किसकी पोजीशन की बात हो रही है, कल को पोजीशन कैसे होगी बेटा, क्या बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, हर एक चीज पे कहीं ना कहीं तो बेटा क्या तो लगानी पड़ेगी बेटा, वरना तो धंधे हो ही नहीं। बेटा अगर आप पढ़ाने का बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो बहुत जबरदस्त लोन है, बिल्कुल हवा में धंधा है उसका, किसी दिन आसमान से ऐसे नीचे आएगा, 40 रुपए वाला शेयर, पता नहीं वो, पता नहीं 1400 1500 कितने का हो रखे हैं, 2100 का हो गया, 40 रुपए का था शेयर आज से 3 साल पहले, वो भाई साहब 2100 रुपए हवा में रेट पहुंचे हुए हैं, उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग रेट भी बहुत कम है, एक दिन गिरेगा, एकदम गिरेगा, आप देखते रहना हवा खुलेगी उसकी किसी ना किसी दिन। बेटा क्या ये समझ में आया या नहीं, अपोजिट अगर कैश फ्लो पोजिशन खराब है कल को, तो आज के दिन आप पता क्या इशू करोगे बेटा, समझो कि हम शेयर क्यों इशू कर रहे हैं, भाई मैंने आज शेयर इशू कर दिए तो कल को मेरी हालत खराब भी हुई तो मालिक लोगों को क्या देना कंपलसरी नहीं है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है,
बेटा क्या बात समझ में आई या नहीं बेटा? हेडिंग्स हेडिंग्स याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सी चार हेडिंग्स बताई मैंने? एक हेडिंग आपको आज समझाई है कॉस्ट, एक कौन सी समझाई रिस्क, फिर समझाई फ्लोटेशन कॉस्ट, फिर बताया कैश फ्लो पोजीशन। अगला फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा कुछ धुंधला धुंधला बचपने की बातें याद आ रही हैं? बचपन की बात, बचपन में कहीं ये पढ़ा था फिक्स कॉस्ट? अभी पिछले साल वाले 11th क्लास में, बचपन में फिक्स कॉस्ट बेडंगर इको में थी। हाँ है जो खर्चा इनकर्ड होगा ही होगा, चाहे प्रोडक्शन हो या एग्जाम्पल मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, एग्जाम्पल रेंट, ये सारे खर्चे कौन से हैं? फिक्स कॉस्ट, या इसे क्या कह दो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये मिनिमम खर्चा है। बेटा प्लीज बात ना हो, बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। बेटा अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, खुद समझो, अगर सर पे पहली बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले रखी है, रेंट का खर्चा देना है, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, 100 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आज ही फेसबुक ने पता नहीं 1100 एम्प्लॉय को धक्के मार के निकाला, 11,000 को नहीं, माई बैड 11,000 होंगे, आज ही धक्के मार के निकाला। क्यों? क्योंकि वो अपनी फिक्स कॉस्ट कम करना चाहता है। बेटा अगर ये खर्चा ज्यादा है, मैं आप सबसे पूछूंगा, अगर पहले सर पे बर्डन ज्यादा है, क्या इंटरेस्ट का बर्डन लेना चाहोगे क्या अपने ऊपर? तो फिर किसका बर्डन लोगे? फिर आप क्या इश्यू करोगे? शेयर। और अगर ये बर्डन कम है, अगर ये बर्डन क्या है कम, तो आप कौन सा बर्डन ले सकते हो अपने ऊपर? इंटरेस्ट का बर्डन। इंटरेस्ट के बर्डन को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। तो बेटा अगर जिम्मेदारियां कम होती है लाइफ में, तो आप और खतरा जिंदगी में ले सकते हो। बेटा करने को तो आप जो मर्जी कर लो, हमारी ये क्या है, सिंपल एक एडवाइस। हम तो खाली कह सकते हैं, डॉक्टर भी कहता है ये दवाई ले लो, अगर नहीं लेनी तो कंपलसरी नहीं है, जिसे जो करना है वो करे, बेस्ट उसके लिए वो है जो हम समझा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली? क्लियर है बेटा? 5 के 5 पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट और काम खत्म। पहले पॉइंट नंबर 7, भाई मार्केट की हालत कैसी है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। बेटा मार्केट में ना 2 पीरियड होते हैं, बूम या बियर, या जिसे कहते हैं कि एक समय तो इकोनॉमी बूम कर रही है भाई साहब, बहुत बढ़िया, और एक समय इकोनॉमी में डिप्रेशन, इकोनॉमी डूब रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। बेटा हाँ मंदा मंदा। बेटा इस समय सेंसेक्स में मंदा कहाँ, 60,800 पॉइंट ऐसे भाग रहे सेंसेक्स आसमान पे, अगले चैप्टर में बढ़ाऊंगा, आसमान पे पहुंचा हुआ इस समय। इस समय तो बूम पीरियड है, लेकिन पहले मंदे पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा मंदे की बात करूं, 3,75,000 करोड़ का बिजनेस है इस महीने में, क्योंकि पता नहीं कितनी लाख शादियां होनी है, 40 लाख शादियां हैं इस महीने, तो 3 लाख ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा इशू किया। बेटा बहुत धंधा हो रहा है, अभी जब कम हो रहा होगा सोच लेंगे। ठीक है 50 रन होंगे, कितने और? अभी मैं मैच ही नहीं देख रहा ना, अभी मैं देखना शुरू करूंगा तो आउट होगा। हाँ सुबह भी अभी शुरू के 10 ओवर मैंने मैच नहीं देखा था, तो 62 पे 2 हो चुके थे, फिर मैं नहीं, फिर मैं घर आया, मैंने मैच देखना शुरू किया, बहुत अच्छा स्कोर हुआ, बस अभी 5 मिनट बाद मैं देखना शुरू करता हूँ, देख लेना तुम तो। ये एक आखिरी पॉइंट समझ लो, पहले आखिरी पॉइंट समझ लो, आखिरी पॉइंट समझ लो। बेटा अगर मंदा है धंधे में, मार्केट के सेंटिमेंट हिले हुए हैं इस समय, डर का माहौल है, सबको डर लग रहा है जैसे इस समय लग रहा है। हाँ, है ना, मन घबरा सा रहा है। बेटा ये मैं मैच की बात नहीं कर रहा, ये मैं फिलहाल यहाँ बेटा कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, जब मार्केट में डर का माहौल है। बेटा प्लीज बात को ध्यान से सुनना, डर के माहौल में आप लोग
शेयर खरीदोगे या डिबेंचर खरीदोगे? भाई तुम पता नहीं, तुम्हारा डर का माहौल क्यों नहीं समझ आ रहा है। डर के माहौल में डिबेंचर खरीदोगे। हाँ, यही तो कहना चाह रहा हूँ, डर का मोल ज्यादा है, डर में सही से सोच नहीं पाते। भाई तुम क्या करवा रहे हो? है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझ। अभी 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 वो बेटा मेरी वजह से रुके हुए हैं कि मैं पढ़ा के आ जाऊं। अभी 6 ओवर तो हो गए ना, या 5 में 60 हो गए? 5.3 पे 59। डर का मोल बहुत ज्यादा है बेटा, इस पॉइंट को समझ लो। मैं आ गया मैच देखने, तुम टेंशन ना लो, मैं आ गया मैच देखने, बचा लेंगे इंडिया को। किस पे आगे चलता है फिर? कौन सा? क्रिकवेज पे। अच्छा, क्रिकवेज ऑन कर लेंगे। 1 मिनट निकुंज बेटा, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट के लिए समझ लो कंसेप्ट को, इसे फिर नोट डाउन कर लेना, लास्ट पॉइंट समझ लो। अगर अगर हालत खराब है मार्केट की, तो लोग डिबेंचर खरीदना चाहेंगे। एक पॉइंट अपोजिट आता है हर एक बच्चे का, अगर सबका ध्यान यहाँ हो। भैया कंपनी क्यों डिबेंचर इशू करेगी? कंपनी को तो नुकसान है डिबेंचर इशू करके, लेकिन कंपनी को इतना पता है ना कि मार्केट के सेंटिमेंट खराब है, अगर मैंने शेयर इशू कर भी दिए तो कोई शेयर खरीदेगा नहीं। मार्केट को देखते हुए तो कंपनी इशू करेगी ना, मैं शेयर निकाल दूं कोई पैसा ही नहीं लगाएगा। तो इसीलिए मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए कंपनी क्या इशू कर देती है? डिबेंचर। और मार्केट की हालत अगर बहुत बढ़िया है, सब माहौल खुशी का माहौल है, जैसे अभी विकेट होने वाले हैं, तुम टेंशन ना लो। हाँ बेटा, अगर पैसा चाहिए कंपनी को तो शेयर पे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, डिबेंचर में फिर भी चांसेस है कि लग जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसा करो, अपनी नोटबुक खोलो। ठीक है, आप पढ़ने का ध्यान है ही नहीं आपका इस समय। मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन समझाया, एक लाइन फाइनेंसिंग की लिखो और फैक्टर्स लिखो। मैं मैच देखना स्टार्ट करता हूँ, इंडिया जीत जाएगी, तुम टेंशन ना लो। कहाँ पे बेटा? ऊपर देखा था मैच आज, और कहाँ देखा था?